देखिए बजट की तैयारियां जारी है और इस सिलसिले में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। बैठक में ट्रेड यूनियंस ने वित्त मंत्री ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है वित्त मंत्री से, साथ ही पर्सनल टैक्स घटाने और कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने की मांग भी उठाई गई। सरकारी कर्मचारियों का कुछ समस्या है, जैसे एनपीएस को आप लोगों ने बदल दीजिए, फिर ओपीएस लाना है और एम्प्लॉइज का आखिरी वेतन है उसमें 50% वो अश्योर्ड पेंशन होना चाहिए और 8वीं जो पे कमीशन है उसको तुरंत कंस्टिट्यूट करना चाहिए और जो है ईपीएस 95 का 1000 रुपया का न्यूनतम पेंशन मिलता है वो न्यूनतम पेंशन को 5000 रुपया प्लस वीडीए प्लस इस तरह का जोड़ना चाहिए। हम लोगों ने जीएसटी में कटौती की बात किया और कॉरपोरेट टैक्स जो घटा दिया है उसको बढ़ाने की बात है, इनहेरेंट टैक्स विरासत कर लगाने की भी बात हम लोग किया है, वेल्थ टैक्स लगाने की बात किया है ताकि रिसोर्सेज जनरेट हो सके।